आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। एरोरा नगर के सत्यानगंज मोहल्ले में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आयोजित नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ में आज प्रथम दिन कलश पूजन के साथ रात्रि में पावन प्रज्ञा पुराण की कथा शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि मंडल अनिलेश तिवारी ने सुनाई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मनुष्य को चार चीजें अपने जीवन में हमेशा ग्रहण करनी चाहिए, जैसे चारों वेद, चारों दिशाएं, चारों वर्ण, चार प्रहर आदि। इसलिए मनुष्य जब अपने आप को जिस दिन जान जाएगा उस दिन मनुष्य पशु नहीं होगा। वहीं योग व्यायाम के बाद शुरू हुआ यज्ञ पूजन, जिसमें नगर के सभी पुरुष महिलाओं समेत प्रज्ञा मंडल एरोरा के सभी नागरिक मौजूद रहे और साथ ही भक्तिपूर्ण माहौल नजर आया। यज्ञ का पहला दिन है, तो आज क्या है कथा? शुभारम्भ आज से है, कल कलश यात्रा से हमारे जो है कि गायत्री महापुराण कथा और नौ कुंडी गायत्री महायज्ञ का प्रारंभ हुआ है। और यह हमारे नगर का सौभाग्य है कि गायत्री महायज्ञ के लिए शांत कुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेव के प्रज्ञापुत्र की टोली द्वारा किया जाएगा। श्री अनिलेश तिवारी जी अपने टोली के साथ यहाँ पधारे हुए हैं और ये इस यज्ञ को और इस पूरे कार्यक्रम को पूर्ण कराएंगे। नगर के पावन श्री राधा कृष्ण स्थल पर यह कार्यक्रम आयोजित है। आज ये गायत्री यज्ञ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और क्या है? नौ कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन अरोरा के सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। इसका उद्देश्य है कि समाज में आध्यात्मिक वातावरण की अभिवृद्धि हो और इसके माध्यम से समाज में अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं का संचार हो, देवत्व की शक्ति बढ़े और मनुष्य के भीतर जो पशुता बढ़ती जा रही है उसको मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग है। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, जो वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने 3200 से भी अधिक साहित्य का सृजन किया है और उन सभी साहित्यों में एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में उन्होंने 19वें पुराण के रूप में प्रज्ञा पुराण को लिखा। प्रज्ञा पुराण को केंद्र में रख करके परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को लोगों तक पहुँचाने का बड़ा अनुपम अवसर यहाँ पर मिल रहा है। मनुष्य में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्गीय वातावरण का निर्माण हो, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।